मीता का कॉल आया है, आपसे बात करना चाहती है। हेलो व्यान सर, उस दिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको फेस कर पाऊँ सबके सामने, पर माफी मांगे बिना रहा ही नहीं जा रहा। आई नो मैंने जो किया वो तो माफी के भी लायक नहीं है। समिता ने वीएन रघुवंशी को माफी मांगने के लिए और साथ ही रिकमेंडेशन लेटर देने के लिए धन्यवाद कही और उसी वक्त कथा आकर वीएन की ये सब बातें सुन रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में देखने को मिला कथा कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए वीएन के केबिन पर आ पहुँचे और तब वीएन समिता के साथ कॉल पर बात कर रहा था। केबिन में आने से पहले कथा ने नॉक किया, लेकिन वीएन समिता के साथ बात करने में इतना बिजी था वो नजरअंदाज नहीं कर पाए। समिता तहे दिल से वीएन को धन्यवाद कहे, मदद करने के लिए शुक्रगुजारी और साथ ही अगर फ्यूचर में कोई मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक होकर उसे याद करने के लिए कही। लेकिन वीएन तो वीएन ही है, इतना सब होने के बाद भी समिता को गुड विशेस दिए और ये देखकर कथा को भी काफी अच्छा लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वीएन भी धीरे धीरे कथा की मन में अपना जगह बना लेगा। क्या आप सभी सहमत हैं? तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आप सभी के साथ मुलाकात होगी और एक नए वीडियो के संग।